बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ़हमीनाज़ किचन। सबसे पहले आने वाले नए दोस्तों को खुश आमदीद। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी पहुँच सके। आज हम बना रहे हैं कीमा भरे करेले। इसके लिए हमें चाहिए होंगे करेले, ये तकरीबन 1 किलो करेले है और इन करेलों को मैंने हल्का सा छील के ऊपर से, ये आप देखें, तो इसको मैंने कट कर लिए और इसमें हम करेले भरेंगे। इसको मैंने धो लिया, ये देखिए आप, ठीक है। और ये तकरीबन आधा किलो बकरे का कीमा है, यानी कि मटन की कीमा है। और इसके लिए हमें चाहिए होगा तकरीबन 2 बड़े साइज के प्याज है, ये हम मसाले में भी डालेंगे और कीमे जो हमने भरना है उसमें भी डालेंगे। ये 3 दरमियाने साइज के टमाटर लिए हैं, इनको मैंने काट लिए है। 5 हरी मिर्ची हैं, ये भी हम इसमें डालेंगे। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने सूखा धनिया दरदरा सा इसको कूट लिया मैंने, और 1 टेबलस्पून ही मैंने लिया है अनारदाना। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून मैंने लिया है सिर्फ जीरा है, और 1 टेबलस्पून मैंने नमक ले लिया, और 1 टीस्पून मैंने हल्दी का इस्तेमाल किया है इसमें। ये जो करेलों के ऊपर से छिलका मैंने उतारा है, इसको मैंने साफ करके धो लिया, ये भी हम मसाले में यूज़ करेंगे। और तकरीबन 1 कप हमें चाहिए होगा कुकिंग ऑयल, आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में ये है हमारे पास हरा धनिया, तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने अब एक पैन ले लिया, मैं इसमें तकरीबन आधा जो है कप ऑयल, कम ऑयल डालूंगी, और इसमें हम आधी प्याज डालेंगे। साथ में इसमें अदरक डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, इसलिए मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं दिया था। अगर आपको अदरक अच्छी लगती है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अदरक सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए मैं अपनी हर कुकी में इसको ज़रूर इस्तेमाल करती हूँ, मेरा मेन इंग्रेडिएंट है। हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा सोते करना है। हमने इसको इतना पकाना है कि जो हमारा प्याज है ये ट्रांसपेरेंट हो जाए। अब हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे, साथ ही हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबलस्पून मैंने जो अनारदाना लिया था, और 1/2 टेबलस्पून ही मैं इसमें सूखा धनिया डालूंगी। अब जो मसाले हैं वो भी सारे मैं डाल दूंगी इसमें। इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, और इसको जो है प्याज और टमाटर इसका और गोश्त के अपने पानी में ही ये कीमा पकेगा, और वैसे भी कीमा फ्रेश है तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। अब मैं इसे तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए दम पे रख दूंगी, ताकि जो इसके जो पानी है और जूसेस वगैरह है वो अच्छी तरह से इसके अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाए और सारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से पक जाए। फ्लेम जो मैं इसकी वो लो कर रही हूँ।
अब दूसरे पैन में मैं मसाला तैयार कर लेती हूँ, इसमें मैं तकरीबन थोड़ा सा 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालूंगी। फ्लेम हम तेज करेंगे और जो मैंने करेलों के ऊपर से छिलके उतारे थे वो मैं इसमें फ्राई करूंगी। ये थोड़ा सा पकते हैं तो उसके बाद हम इसमें बाकी चीजें ऐड करेंगे। ये देखें ये फ्राई हो गए, अब मैं इसमें प्याज डाल दूंगी। प्याज जो है वह हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। सूखा धनिया और अनारदाना जो मैंने बचा लिया था पहले वाले मसाले में, तकरीबन हाफ टेबल स्पून मैं इसमें लाल मिर्च डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून इसमें हल्दी जाएगी और हाफ टी स्पून इसमें नमक जाएगा, तो 1 टेबल स्पून नॉट 2 स्पून। अब इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 2 टेबल स्पून पानी ऐड करूंगी ताकि जो मसाले हैं वो पक जाएं और जो हमारे जो टमाटर और प्याज है थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। तो जो 3 से 4 मैंने आपको हरी मिर्च बताई थी वो मैं ऐड करूंगी इसमें। इसके साथ ही जरा चम्मच हिलाएंगे ताकि नीचे ना लगे। हल्का हल्का से इसको दबा के टमाटरों को थोड़ा थोड़ा से मैश कर लेंगे, लेकिन हमने इसको बिल्कुल भी वो ठीक से पेस्ट नहीं बनानी, मसाला हमने इसका थोड़ा ही रखना है। अब हम अपना कीमा देख लेते हैं। माशाल्लाह बिस्मिल्लाह देखिए पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया था, ये मसालों का जो अपना पानी है और जो कीमे और प्याज और टमाटर का जो पानी था ये उसके जूसे से ही कीमा पक गया। अब मैं फ्लेम जो ऑफ कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दूंगी, फिर इसके बाद हम लोग फिलिंग करेंगे करेलों की कीमे के साथ। तो व्यूज़ देखें ये हमारा कीमा जो है ये बिल्कुल ठंडा हो गया और अब मैं आपको इसको बताती हूँ कि हमने इसमें किस तरह से फिलिंग करनी है। मैंने फिलिंग तैयार की थी वो बिल्कुल ठंडी हो गई है, अब मैं आपको बताऊँगी कि हम इसको करेलों में फिल कैसे करेंगे। बहुत ही आसान है, बिस्मिल्लाह एक करेला लेंगे इस तरह से और चम्मच के ज़रिए हम इसमें फिलिंग करते जाएंगे इस तरह से। करेले को ज़्यादा नहीं भरना, ये ना हो कि आप जब पकाएं तो ये बाहर निकलना शुरू हो जाए, बस इतना कि आसानी के साथ इसके अंदर फिल हो जाए। ये देखें करेला भर गया और ये अच्छी तरह से अब ये बंद हो जाएगा। मैं इसको जो है कवर करने के लिए धागे के इस साइडों पे लपेटूंगी, अगर आप चाहें तो टूथ स्टिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए ये धागा लिया, इसको ऐसे पकड़ा और फिर इस तरह से चलाना शुरू कर दिया हाथ। इसी तरह से बाकी जो करेले हैं मैं उनको भी इस तरह से फिलिंग करके और उसके ऊपर इस तरह से धागा लपेट दूंगी। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया और हम इस तरह से इसको प्लेट में रख लेंगे। बाकी भी मैं इस तरह से फिलिंग कर लूंगी। तो देखिए ये मैंने इसको सारे करेलों को भर लिए,
इस तरह से, और इसको धागा वगैरह लपेट दिया। अब मैं इनको फ्राई करूँगी। अब मैं कढ़ाई लूँगी और उसमें मैंने जो ऑयल बचा था वो डाल देंगे। अब देखें कि एक कप मैंने लिया था जिसमें मैंने फिलिंग भी तैयार की है, मसाला भी तैयार किया, अब हम इसमें फ्राई भी करेंगे। अब इनको वन बाय वन इस तरह से रखते जाएंगे। अब मैं इसको ढाँक दूँगी और इसकी जो आँख है, जो इसकी फ्लेम है, वो मैं स्लो कर दूँगी और वक्फे वक्फे से मैं इसको जो इसकी साइड्स हैं वो चेंज करती रहूँगी। ये देखिए करेलों का कलर चेंज होना शुरू हो गया और हम इसको ऐसा इस तरह से पलटाते जाएंगे। जो इसकी साइड थोड़ी सी कच्ची है तो हम नीचे करेंगे और जो पकती जा रही है हम उसको साइड पर रखते जा रहे हैं। इसको बड़े एहतियात के साथ पकड़ना है, ये कहीं टूटे ना। ये देखिए इस तरह से। अब ये जो थोड़ी सी कच्ची वाली साइड है वो मैं इसको नीचे कर दूँगी इस तरह से, ताकि ये पक जाए। तो ये देखिए हमारे करेले तकरीबन 75% से ज़्यादा फ्राई हो गए। और हमेशा याद रखें कि करेले जो भर के बनाए उनको खुले बर्तन में आप फ्राई करें तो ये टूटते नहीं है। देखिए बिल्कुल सही है, साबुत है हमारे। इसको मैंने खुले बर्तन में डाल लिया था तो इस तरह से हम इनको पलटते रहेंगे। मैंने 3 से 4 मरतबा पलट दिए, बस ये थोड़े से रह गए, तकरीबन 5 मिनट और इसको लगेंगे। उसके बाद हम इसको मसाले में डाल देंगे। ये देखिए तो ये देखें करेले हमारे बिल्कुल फ्राई हो गए। अब मैं इसको मसाले में कन्वर्ट कर दूँगी। जो मैंने प्याज और टमाटर और हरी मिर्च का मसाला बना के रखा अब उसमें बिल्कुल रेडी हो गए। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त बने, बिल्कुल भी नहीं टूटे माशाल्लाह से। बस तो थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी तो ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो ये बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं इसको ज़रा कन्वर्ट कर दूँ। तो देखिए जो मसाला मैंने बना के रखा था, अब बस इसमें मैं ये जो करेले मैंने फ्राई किए थे भर के ये मैं डाल दूँगी। इसको हम इसको ऑयल भी सारे इसमें डाल देंगे और ये करेले भी। अब मैं इसको तकरीबन 5 मिनट दम पे रख दूँगी। हल्का सा मैं चम्मच हिलाऊँगी ताकि जो दूसरा मसाला है वो भी करेले के साथ लग जाए। बड़े एहतियात के साथ इनको पलटें क्योंकि करेले बिल्कुल पके हुए हैं, तो अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो ये टूट जाएंगे तो फिर वो मज़ा नहीं आएगा। ये तो आप सब जानते हैं कि खाना पहले आंखों से खाया जाता है और फिर मुँह के साथ। अगर दिखने में अच्छे नहीं लग रहे तो फिर खाने में भी वो टेस्ट नहीं आ रहा होता। ठीक है, ये हो गया। अब मैं इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट में इसको दम पे रख दूँगी। अब 5 मिनट हो गए माशाल्लाह से, बिल्कुल रेडी हो गए। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँगी। फ्लेम मैं ऑफ कर दूँगी। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो व्यूज़ देखें, मैंने इसको डिश आउट कर लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना जो एक्सपीरियंस है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।